नमस्कार, मनोदय श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति। ठीक है, तो 1857 की क्रांति है वो राजस्थान में शुरू होती है 28 मई को। कहाँ से शुरू होती है? अजमेर से। उससे पहले देखो, अपने को देखना है कि राजस्थान में पहले जो एजीजी थे वो कौन थे? जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। ठीक है, जो मुख्यालय था ब्रिटिश का वो कहाँ था? गर्मियों में तो ये माउंट आबू और सर्दियों में कहाँ हो जाता? अजमेर में। यानी 6 महीने माउंट आबू और 6 महीने अजमेर में। गर्मियों में माउंट आबू में क्या ठंड रहती है? तो देखो, गर्मियों में कहाँ हो गया माउंट आबू और सर्दियों में कहाँ जाते? अजमेर में। अब इनमें जो उस टाइम जो 1857 की क्रांति हुई, उस टाइम क्या हुई थी? अंग्रेजों की 6 छावनियाँ थी। ठीक है, नाम देखो, नशीराबाद की, नीमच की, देवली, एरनपुर, ब्यावर और खेरवाड़ा। नशीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुर, ब्यावर और खेरवाड़ा। जिसमें जो ब्यावर और खेरवाड़ा है उस ये क्या हुआ था? इसमें विद्रोह नहीं हुआ था सैनिक छावनियों में। इन बाकी में नशीराबाद में, नीमच में, देवली में और एरनपुर में क्या होता है? विद्रोह होता है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एजीजी थे उन्होंने क्या बिठा रखे थे? अपने पोलिटिकल एजेंट बिठा रखे थे जगह जगह पे, ताकि जो राज करने में क्या हो, आसानी हो। तो उनको पोलिटिकल एजेंट के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें राजा कौन था उस टाइम में और वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन बैठे थे। क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट है वही विद्रोह को क्या करेंगे? दबाएंगे। ठीक है, तो जयपुर में क्या, जयपुर में राजा थे राजा मान सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बेटन। भरतपुर में थे जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन। मेवाड़ में थे महाराणा स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावरसर। मारवाड़ में कौन थे? राजा तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मिशन। अब देखो, इंडिया में सबसे पहले जो होती है वो कहाँ होती है 1857 की क्रांति? मेरठ में होती है। नहीं, मध्य में था वो मेरठ, यहीं से था। वहीं राजस्थान में भी क्या होता है? अजमेर में होता है। नसीराबाद में विद्रोह होता है। 1857 की क्रांति का शुरुआत होती है 28 मई को। ठीक है, 1857 को देखो कैसे विद्रोह शुरू हुआ। जहाँ मेरठ में विद्रोह होता है तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे बैठा है एजीजी। एजीजी को ये होता है कि अजमेर में क्या थे? गोला बारूद थी और क्या था? गोला बारूद और क्या थी? संपत्ति थी, यानी कि धन था यहाँ पे अंग्रेजों का। तो ये घबरा जाता है। घबराने के बाद में ये क्या करता है? जी, यहाँ पे जो अजमेर की जो फिल मेरठ की छावनी, मेरठ में जो थी ना, उसको दबा के आई थी ये 15 NI। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री। मैं NI बोलूंगी इसका फुल फॉर्म है, नेटिव इन्फेंट्री। ये इससे क्या होता है? ये घबरा जाता है, तो ये इसको इस छावनी को भेज देता है यहाँ पे नसीराबाद में। इससे ये जो सैनिक थे वो सोचते हैं कि इनमें थोड़ा विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है नसीराबाद में। और यहाँ पे पहले से थे 30 बंगाल नेटिव। ठीक है, NI। तो इन दोनों, ये दोनों मिल जाते हैं। ये दोनों मिलने के बाद में ये शुरुआत होती है 28 मई 1857 को। ये विद्रोह कर देते हैं। इनके यहाँ पे एक अधिकारी था जिसका नाम था न्यूबरी अधिकारी। उसको ये क्या करते हैं? मार देते हैं। ठीक है, न्यूबरी को मार दी, मारकर 28 जून 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं। कहाँ, कब पहुंचे? 28, डेट याद रखना, 18 जून। ठीक है, सॉरी, 18 जून है, 18 जून को ही 1857 को दिल्ली पहुंच जाते हैं। यहाँ से नसीराबाद की छावनी से ये जो 15 NI और 30 NI के जो जितने भी थे ना सैनिक, वो क्या करते हैं? 18 जून को दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ से विद्रोह करके यहाँ के जो सैनिक थे उसको मार ही दिया, लूटपाट करके ये सारे वहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक नाम और आता है, ठीक है, उसको याद रखना, जो गरीबों के लोग देता है, डूंगर जी और जवाहर जी, जिनका वास्तविक नाम क्या था? बलजी व भुरजी। इन्होंने क्या किया था? नसीराबाद की छावनी को लूटा था। ठीक है, राजपूत थे डूंगर सिंह जी, उन्होंने क्या किया था? नसीराबाद की छावनी को लूटा था विद्रोही के साथ साथ में। ठीक है, विद्रोही तो कहाँ चले गए थे? 18 जून को दिल्ली पहुंच गए थे लूटपाट करके। फिर सेकेंड आता है, देखो यहाँ पे सेकंड जो विद्रोह होता है वो नीमच में होता है। नीमच, देखो नीमच को हम यहाँ क्यों पढ़ते हैं राजस्थान में? क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश में है। क्योंकि ये नीमच की जो देख रेख थे, जो उनका PA था, वो कौन था? मेजर सावरसर ही था। इसलिए हम नीमच को राजस्थान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो कर्नल, एक कर्नल नाम था कर्नल एबोट, वो क्या करता है? वो सोचता है कि नशीराबाद में क्या हुआ है, विद्रोह हुआ, तो यहाँ पे भी होगा। उसको पहले से घबराहट हो जाती है, तो ये अपने सैनिकों को याद दिलाता है, शपथ दिलाता है कि आप है ना मेरे से पूरी तरीके से वफादार रहोगे। लेकिन यहाँ पे 2 जून को, ठीक है, 2 जून को क्या क्या होता है? मोहम्मद अली बेग नाम का व्यक्ति रहता है, इनका सैनिक रहता है, वो क्या करता है? विद्रोह कर देता है। ठीक है, विद्रोह करने के बाद में ये इनको यहाँ पे, ये सारे यहाँ पे जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के जो कर्नल एबोट है, ये सारे यहाँ पे इनका परिवार पूरा यहाँ भाग के यहाँ जाता है चित्तौड़गढ़ में डोंगला गांव में, जिसमें रुंगाराम के घर में अंग्रेजों को क्या बना लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। लेकिन ये जो कर्नल एबोट है, ये मेजर सावरसर है ना, ये स्वरूप सिंह के पास जाता है। स्वरूप सिंह को ये भेजता है कि हमारी क्या करो, सहायता करो हमारे सैनिकों को, जो अंग्रेज थे उनके पूरे परिवार को यहाँ बंदी बना रखा है रुंगाराम के घर पे। लेकिन तो ये जो महाराणा स्वरूप सिंह है, ये क्या करता है? पिछोला झील के जग मंदिर महल जगह है, पिछोला झील का जो जग मंदिर है वहाँ पे महल बना हुआ है, वहाँ पे क्या करता है? इनको सबको छुड़ा लेता है और वहाँ रख लेता है, इनकी देख रेख करते हैं।
गोकुलचंद मेहता, ठीक है, जो अंग्रेज परिवार थे उनकी देखरेख कौन करते हैं, गोकुलचंद मेहता। और शरण किसने दी थी, महाराणा स्वरूप सिंह ने। कहाँ पे दी थी, पिछोला झील के जंग मंदिर में अंग्रेजों के पूरे परिवार को। अब एजेंट सावरसर भी यहाँ पे आ गया, और एजेंट कौन आ गया, कोटा का पीए था बटन, वो भी यहाँ आ जाता है। दोनों मिलके क्या करते हैं, 8 जून को वापिस नीमच नीमच की जो है उसको अधिकार कर लेते हैं, और नीमच वाले चले जाते हैं, जो विद्रोही करके गए थे ना वो यहाँ चले जाते हैं, दिल्ली की तरफ लूटपाट करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे खाली हो गया, तो वापिस ये 8 जून को वापिस चले जाते हैं, इनका परिवार भी वहीं चला जाता है। पिछड़ा जेल जंग मंदिर में इन्होंने क्या की थी, सहायता की थी। ये हो गई अपना नीमच का, ठीक है, नीमच में इतना ही है। थर्ड अपना आता है यहाँ पे देवली टोंक, ठीक है। देवली टोंक में क्या होता है, यहाँ के जो सैनिक थे या फिर जो जनता थी वो क्या करती है, विद्रोह करती है, लूटपाट करके क्या करती है, आगरा की तरफ से दिल्ली चली जाती है। फोर्थ आता है अपना 21 अगस्त को एरिनपुर में, एरिनपुर कहाँ पे है, एरिनपुर छावली पाली में, ठीक है, वहाँ पे होता है विद्रोह होता है, ठीक है। विद्रोह कैसे होगा, देखो इसमें क्या हो गया था, इसके जो मारवाड़ के राजा कौन थे, तख्त सिंह, और पीए कौन था, मेक मेसन, ठीक है। यहाँ पे जो एरिनपुर के छावनी के जितने भी जो थे सैनिक थे वो क्या करते हैं, इसमें जो मेक मेसन है उसके पुत्र की हत्या करके नारा लगाते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और यहाँ पे ये चल जाते हुए इधर एरिनपुर छावनी के जो जितने भी सैनिक थे वो क्या दिल्ली की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे नारनौल हरियाणा में क्या करते हैं, इनके विद्रोह को पूर्ण तरीके से दबा दिया जाता है। अब ये यहाँ पे देखो, ये जो आवा का विद्रोह, आवा का विद्रोह क्या कैसे होता है, यहाँ पे एक ठाकुर था जिसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। आवा का ठाकुर क्या था, कुशाल सिंह चंपावत, ये इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। कुशाल सिंह चंपावत है, ये क्या करता है, ये जो एरिनपुर से छावनी से विद्रोह करके जो सैनिक जा रहे थे ना उनकी सहायता की थी इसने, ठीक है, इनको सपोर्ट दिया था कुशाल सिंह ने। तो कुशाल सिंह के साथ में जो राजा तख्त सिंह है वो भी नाराज हो गए इसे, और मेक मेसन थे वो भी नाराज हो गए। तो ये दोनों क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। पहले युद्ध में ये ना ये राजा तख्त सिंह और मैक मेसन दो व्यक्तियों को भेज देते हैं, ओनर सिंह और हाथीकोट, इन दोनों के मध्य कुशाल सिंह के बीच में युद्ध होता है, जिसका नाम है बिथोड़ा का युद्ध या बिठोड़ा का युद्ध, नाम है दो, बिथोड़ा या बिठोड़ा, दो एक ही नाम है, बिथोड़ा का युद्ध भी बोलते हैं और बिठोड़ा का युद्ध भी बोलते हैं। कब हुआ था, 8 सितंबर को। इसमें क्या करते हैं, कुशाल सिंह जीत जाते हैं विद्रोह के साथ में, क्योंकि विद्रोह को इन्होंने मिला लिया था, इन्होंने सहयोग किया था कुशाल सिंह ने। तो कोनर सिंह की भी हत्या कर देते हैं, और हथीकोट का भी ये क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। अब फिर सेकंड युद्ध होता है, चेलाबाज का युद्ध, 18 सितंबर को। मेक मेसन है ना, मेक मेसन के साथ में और कुशाल सिंह और विद्रोह के बीच में होता है 18 सितंबर को। पहले युद्ध हुआ 8 सितंबर को, फिर 10 दिन बाद में होता है 18 सितंबर को, जिसका नाम है चेलाबाज युद्ध। इसमें क्या करता है, मेक मेसन है ना उनकी हत्या कर देते हैं ये विद्रोही, और इसका क्या करते हैं, गला काट के आवा के किले पे लटका देते हैं इनका सर, ठीक है। ये जो चेलावास का युद्ध है इसको काले गोरों का युद्ध भी बोलते थे, क्योंकि इसमें अंग्रेज और अपन अपने हैं उनको काले बोलते थे, तो गोलों का युद्ध भी बोलते हैं। अब देखो मेक मोशन को इन्होंने क्या कहा था, 18 सितंबर को आवा के किले पे लटका दिया, तो अंग्रेजों में क्या हो गया था, हड़कंप मच गया था। तो अंग्रेज को जो एजीजी हैं पैट्रिक लॉरेंस, वो किसको भेजते हैं, बुलाते हैं, देखो कर्नल होम्स, फिर कर्नल होम्स आते हैं, वो क्या करते हैं, पालनपुर और नसीराबाद दो छावनियों को साथ में, सैनिक टुकड़ियों को साथ में लेके आते हैं 20 जनवरी 1858 को, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो आवा थी वहाँ पे आवा के किले में बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाते हैं, सबको यहाँ पे जो भी मिलता है उसको मार देते हैं, और जितना भी सोना या फिर कुछ भी था उसके खजाने को लूट लेते हैं। और जो यहाँ पे सुगाली माता इंपॉर्टेंट है, सुगाली माता क्या है, 1857 की क्रांति की माता माना जाती है, क्योंकि जो कुशाल सिंह थे वो इसकी पूजा करते थे, ठीक है, विद्रोही ने भी इनकी पूजा की थी सुगाली माता की। तो सुगाली माता को यहाँ से उठा के कहाँ ले गए थे, अजमेर में स्थापित कर दिया था सुगाली माता को, ठीक है। जो फिलहाल में फिलहाल जो सुगाली माता है वो कहाँ पे है, पाली के वागड़ संग्रहालय में रखी हुई है इनकी मूर्ति को, सुगाली माता को, जो 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स थे वो ले गए थे अपने साथ में, ठीक है। अब जो कुशाल सिंह है वो यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि होम्स आ रहे हैं पीछे पीछे, तो ये क्या करता है, यहाँ से भाग जाता है। तो 8 अगस्त डेट है, 8 अगस्त 1860 को ये क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं कुशाल सिंह अंग्रेजों के समक्ष। यहाँ पे अब इनके कुशाल सिंह के आत्मसमर्पण के बाद में इनके ऊपर एक कमेटी बैठती है, मेजर टेलर आयोग, ठीक है। मेजर टेलर आयोग क्या बोलता है, 10 नवंबर 1860 डेट क्या है, 10 नवंबर 1860 को इनको निर्दोष घोषित कर देता है, और इनको ये फ्री हो जाते हैं कुशाल सिंह, ठीक है। ये कुशाल सिंह के बारे में जो आवा का विद्रोह कहलाता है, जिसमें दो युद्ध हुए थे, भथोड़ा का युद्ध और गोले का गोल काले और गोरों का युद्ध, ठीक है, जिसे चेलावास का युद्ध भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया अपना 8 सितंबर का। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो इस तरह कोटा का विद्रोह, देखो कोटा का विद्रोह क्या होता है, एजेंट बर्टन,
एजेंट बर्टन थे 12 अक्टूबर 1857 को नीमच से कोटाए थे। एजेंट बर्टन थे वो कहाँ थे, नीमच के थे, नीमच से ये क्या कहाँ थे, 12 अक्टूबर 1857 को कोटा में आ जाते हैं। तो कोटा के जो लोग थे, क्योंकि कोटा में क्या क्या थी, एक भी प्रकार की विद्रोही वो नहीं थी, ठीक है, सैनिक छावनी नहीं थी, ये सिर्फ जनता का ही विद्रोह था। वकील थे यहाँ के लाला जयदाल और रिसलदार मेहराब खां, जो क्या करते हैं 12 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर देते हैं और यहाँ के राजा को किडनैप कर लेते हैं, ठीक है। बर्टन के दो पुत्र थे और इनका डॉक्टर था शेडलर कोटम, उनकी हत्या कर देते हैं और यहाँ पे बर्टन का सिर काट के क्या करते हैं, कोटा में घुमाते हैं। किन्होंने घुमाया था, लाला लाला जयदाल और रिसलदार मेहराब खां ने। ये दोनों क्या थे, यहाँ के वकील थे। ये दोनों फिर विद्रोहियों के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ के जो जनता थी वो दोनों वो ही विद्रोही कहलाती है। तो ये क्या करते हैं, बर्टन के दो पुत्र थे, डॉक्टर शेडलर कोटम थे इनके, उनकी हत्या कर देते हैं और जो बर्टन थे उनका सिर काट के कोटा में घुमाते हैं। यहाँ पे टोटल 6 माह तक ये राज करते हैं, ठीक है। राजा राम सिंह द्वितीय क्या करते हैं, पैट्रिक लॉरेंस की सहायता से रॉबर्ट्स की सेना को क्या करते हैं, मदद करते हैं। करौली के राजा मदनपाल भी क्या करते हैं, रॉबर्ट्स की सेना की मदद करते हैं। देखो राजा राम सिंह द्वितीय था ना, वो क्या करता है, पैट्रिक लॉरेंस को बोलता है कि हमारी सहायता करो, क्योंकि यहाँ पे क्या कौन था, राजा राम सिंह द्वितीय था, राम सिंह द्वितीय था बैठा है गद्दी पे, इसको किडनेप कर लिया था इन्होंने, 6 माह तक किडनेप भी रखा था। लेकिन ये राम सिंह द्वितीय क्या करता है, पैट्रिक लॉरेंस को खत लिखता है कि आप हमारी सहायता करो। तो पैट्रिक लॉरेंस क्या करता है, रॉबर्ट्स की सेना भेजता है, रॉबर्ट्स के साथ में सेना भेजता है और यहाँ पे मदद करते हैं करौली के राजा मदनपाल, ठीक है, कोटा के संघर्ष में। तो इनको उपहार स्वरूप क्या दिया जाता है, 17 तोपों की सलामी दी जाती है और इनको उपाधि दी जाती है GCI की। क्या ना क्या उपाधि दी गई थी इनको, राजा मदनपाल को जो करौली के थे उनको दी गई थी GCI की, जिसे बोलते हैं ग्रैंड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। क्या थी उपाधि, ग्रैंड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी इनको। आजाद करवाते हैं 31 मार्च 1858 को ही आजाद करवा लेते हैं कोटा को, ठीक है, विद्रोहियों से। जयदाल और रिसलदार को क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। जयदाल और रिसलदार दोनों को क्या कर दी गई, फांसी दी गई 1800, और यहाँ से कोटा का विद्रोह समाप्त हो गया। फिर धौलपुर में विद्रोह होता है 27 अक्टूबर 1857 को, 12 अक्टूबर में कहा हुआ कोटा में हुआ, 27 अक्टूबर को होता है धौलपुर में। जनता क्या करती है, जनता के साथ में होते हैं देवा गुज्जर और रामचंद्र व हीरालाल राणा के नेतृत्व में क्या होता है, यहाँ पे विद्रोह होता है। धौलपुर पर अधिकार कर लेते हैं, लगभग 2 माह तक रखते हैं और राजा भगवंत सिंह को क्या करते हैं, 2 माह बाद में राजा को आजादी दिलवाते हैं, ठीक है। राजा आजाद हो गए थे, किसके सहयोग से, पटियाला नरेश थे उनके सहयोग से राजा भगवंत सिंह को आजाद कर लिया जाता है और धौलपुर का विद्रोह भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। फिर राजपूताना के वे शासक जिन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था, उसमें सर्वप्रथम सहयोगी कौन रहे थे, महाराणा स्वरूप सिंह, ठीक है। बीकानेर के कौन थे, सरदार सिंह, जिन्होंने क्या किया था, अपनी सेना को राज्य से भी बाहर भेज दिया था अंग्रेजों के सहयोग के लिए। दिख नहीं रहा, दिख रहा है, बाडलू गाँव नाम था, बाडलू गाँव हिसार में भेजते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या दिया गया था, इतने अधिक अंग्रेजी सरकार इनसे खुश हो गई थी, जिन्होंने 41 परगने गाँव इनको उपहार स्वरूप दे दिए थे। अलवर के हैं विनय सिंह, इन्होंने क्या किया था, 11 जुलाई में ऐनेरा भरतपुर में दमन में सहयोग किया था, ठीक है। अलवर के विनय सिंह थे जिन्होंने 11 जुलाई में अपनी सेना भेजी थी, लेकिन जो विद्रोही ने सॉरी जो विद्रोही थी अस्नेरा भरतपुर में, इनकी सेना का क्या कर देते हैं, दमन कर देते हैं विद्रोही, तो ये पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर पाते हैं अंग्रेजों का। नाम क्या है, विनय सिंह जी, अलवर के थे। जयपुर का था राम सिंह द्वितीय, जयपुर के जो राम सिंह द्वितीय थे उन्होंने तन मन धन से पूरा क्या गया था, अंग्रेजों का सहयोग दिया था, इस वजह से अंग्रेज इसको क्या बोलते हैं, सितारे हिंद की उपाधि देते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति की माता कौन कौन बोली जाती है, सुगाली माता, और राम सिंह द्वितीय को क्या उपाधि दी थी, सितारे हिंद। सितारे हिंद किसको बोला जाता है, राम सिंह द्वितीय को, ठीक है। ये अपना पूरा हो गया 1857 की क्रांति, जिसमें मैंने इंडिया का भी पढ़ा दिया, राजस्थान का भी पढ़ा दिया, ये अपनी 1857 की क्रांति कंप्लीट, उसमें जो परिणाम है वो इसी के अंतर्गत है, राजस्थान में भी और इंडिया में, ठीक है, सेम है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।